नमस्कार, मी सुनील नाटेकर आणि आपण पाहत आहात लोक संदेश न्यूज। कोरोना, कोरोनाच्या नावाने सर्व जगावर संकट आलेलं आहे। भारतासारख्या देशात हे संकट फार दयनीय झालेलं आहे। आता कोरोनावर लसीच्या माध्यमातून काही इलाज येईल, परंतु भूक, आपण गरिबांच्या भुकेला काय करणार? आम्ही आपणास आव्हान करतो की आपण आमच्यापैकीच एक आहात, आपण पैसेवाले आहात। अगर आपण काही देण्याची, मदत करण्याची ताकद ठेवत असाल तर लोकसंदेश न्यूज मीडिया आपणास आव्हान करत आहे। आपल्या आजूबाजूला, आपल्या गल्लीत, आपल्या शेजारी, मग तो कोणत्याही जाती व धर्माचा असो, त्याला आपल्या एका भाकरीतून एक पाव भाकरी किंवा काही आर्थिक मदत करता येण्याजोगी आहे का ते बघा। तर त्यांना त्यांच्या घरी जाऊन विचारपूस करून मदत करा। हीच वेळ आहे पुण्य कमवण्याची, माणुसकी दाखवण्याची। लोकसंदेश न्यूज मीडियाकडून ही एक कळकळीचे आव्हान आपणास करण्यात येत आहे। एक मिनट, दो दिन से देख रहा हो, आते हो, खड़े होते हो, यहाँ वहाँ किसी का इंतजार करते हो, फिर मार खाकर वापस चले जाते हो। क्या लगता है तुम, कोरोना मजाक है? ये डॉक्टर, ये पुलिस वाले 24-24 घंटे अपने फैमिली को छोड़कर हमारे लिए जो पागलों की तरह काम कर रहे हैं, बस ऐसे ही किसका इंतजार कर? मैं जान सकता हूँ या तुम पागल हो? मेरा नाम, सॉरी, नाम नहीं बोलूंगा, वरना आपका ये वीडियो देखने वाले लोग इंसानियत की नज़र से नहीं देखेंगे, मेरे में एक मजहब धर्म ढूंढेंगे। मैं एक लेबर हूँ। जहाँ आप मिले हो वो लेबर अड्डा है साहब। 3-4 दिन तक तो यहाँ वहाँ से मांग के गुजारा कर लिए, आज को 8 दिन हो गए। मैं भूखा रह सकता हूँ? मेरे बीवी बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। आज सुबह की एक बात बता रहा हूँ। हमारे गली के मूसा अंकल कुछ सामान लेकर घर जा रहे थे, उसमें से एक बन गिर गया और मैं उठा के ले आया। और फिर मैं मरने निकल गया। सोचा मेरे मरने से मेरे बच्चों की भूख नहीं मिटेगी। मैं जाकर अपने अड्डे पे खड़ जाता हूँ, रोज आता हूँ, खड़ता हूँ, खाता भी हूँ। खाना नहीं, डंडे। फिर कल आऊँगा, नया दिन, नई उम्मीद के साथ। कोई एक तो मेरा रिश्त लेके आएगा साहब। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जरूर, मैं और 10-12 दिन भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जैसे लोग आपके आसपास, बहुत लोग भूखे हैं।